शिवा चड्ढा सबसे लोकप्रिय अभिनेत्री में से एक है जो विशेष रूप से बॉलीवुड फिल्म उद्योग और भारतीय टीवी उद्योग में काम करती है। उन्होंने विभिन्न फिल्मों और टीवी परियोजना में अभिनय किया है जिसके लिए उन्हें सभी से खूब सराहना मिली है। उन्हें मुख्य रूप से सलमान खान, ऐश्वर्या बच्चन और अजय देवगन अभिनीत फिल्म हम दिल दे चुके सनम के लिए जाना जाता है। वह एक लोकप्रिय भारतीय फिल्म, टीवी और स्टेज अभिनेत्री है जिनका जन्म 1972 में हुआ था और वहीं दिल्ली भारत की रहने वाली थी। हालांकि उन्होंने अपने करियर जीवन के दौरान विभिन्न परियोजना की है और बड़ी पहचान हासिल की है। प्रारंभ में शिवा चड्ढा को अभिनय में रुचि महसूस हुई और उन्होंने एक थिएटर अभिनेत्री के रूप में काम करना शुरू किया और कुछ अभिनय कार्यशालाओं में भाग लिया, जबकि उन्हें दिल्ली की हंसराज यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में डिग्री ली है। 1993 में उन्होंने श्री कृष्णा से टीवी पर डेब्यू किया जो 2005 तक चला था। 1998 से 2001 तक वह हिप्पी फूरे का हिस्सा रहे। 2002 में वह लव मैरिज में दिखाई दिए। 2007 में उन्हें लोकप्रिय टीवी धारावाहिक में से एक कस्तूरी में अभिनय किया। 2009 से 2012 तक वह ना आना इस देश में लाडो में नजर आई। 2009 में उन्हें कितनी मोहब्बत में भी काम किया। उसी वर्ष उन्होंने कहानी सात फेरों की कुछ तो लोग कहे गए में अभिनय किया जो 2011 में प्रसारित हुआ और 2013 में समाप्त हुआ, जबकि अन्य में हिटलर दीदी, लाखों में एक पवित्र रिश्ता, हेलो शामिल थे। प्रतिभा बंदनी और चंद्र नंदानी सजा करने लायक है। इस बीच शिवा चड्ढा ने बॉलीवुड फिल्मों में अपनी पहली फिल्म दिल से दिखाई जो 1998 में रिलीज हुई थी। फिल्म में शाहरुख खान और मनीषा कोइराला है, जबकि अन्य फिल्मों में 1999 में रिलीज हुई हम दिल दे चुके सनम में सलमान खान, ऐश्वर्या राय बच्चन और अजय देवगन है। शाहरुख खान और जूही चावला अभिनीत फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी 2000 में रिलीज हुई काली सलवार थी जिसम इन ओथेलो और यह सूची जारी है। हालांकि वह 1998 से फिल्मों और टीवी का हिस्सा है और अब तक कई प्रोजेक्ट पर अभिनय कर चुकी है, जबकि वह मिर्जापुर, तन्हाई, ताजमहल और कई अन्य वेब सीरीज में दिखाई दी है। साथ ही वह टीवीएस प्रोजेक्ट में भी नजर आ चुकी है। शिवा चड्ढा ने अपने करियर जीवन के दौरान बहुत प्रसिद्धि और पहचान हासिल की है क्योंकि उन्होंने सबसे लोकप्रिय टीवी फिल्मों में परियोजना पर काम किया है।